ये विरोध मुस्लिम समाज का है और विरोध ही नहीं मुस्लिम समाज में काफ़ी आक्रोश है। जो कल की घटना हुई है खंडवा शहर के अंदर, जिस तरीके से हमारे खंडवा शहर का शांति प्रिय माहौल चला रहा था और कुछ असामाजिक तत्वों ने एक रैली निकालकर वर्ग विशेष के खिलाफ नारेबाजी की गई है, उसके खिलाफ हम आज पूरा मुस्लिम समाज यहाँ पर एक ज्ञापन की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। और हमने ज़िला प्रशासन को ज्ञापन दे के मांग करी है कि कल जो घटना शहर में घटी, जिससे हमारे शहर का सौहार्दपूर्ण वातावरण ख़राब करने की जिन लोगों ने कोशिश करी है, उनके खिलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाई में केस दर्ज कराने की मांग करते हैं। यहाँ पर जो नारेबाजी की गई है, जो हमें ज्ञात हुआ है, एक वर्ग विशेष के खिलाफ यानी मुस्लिम समाज के खिलाफ नारेबाजी की गई थी 25 तारीख के जुलूस के अंदर, जो कि एक रैली निकाल के लाया गया था। और प्रशासन पे ये दबाव बनाया गया कि निर्दोष मुसलमानों को उन पे जो है एक गलत धाराओं में केस दर्ज करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि प्रशासन ने मुहर्रम का जो ताजिए का विसर्जन निकला था उस दरमियान में प्रशासन ने लिखित में ये आदेश दिया था कि हमारे खंडवा में इस टाइप के किसी भी तरह के नारे नहीं लगाए गए। उसके बावजूद प्रशासन पे दबाव बनाना और प्रशासन पे दबाव बना के मुसलमान निर्दोष नौजवानों पे कार्रवाई की गई। महोदय, कि दिनांक 25/8/2021 को शहर की शांति व्यवस्था भंग करते हुए एवं कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अल्पसंख्यक समाज में भय का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों द्वारा भारी भीड़ जुटाकर मुस्लिम समाज के विरुद्ध अनर्गल नारे और टिप्पणियां करने एवं प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए भारी भीड़ जुटाई गई, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जिस हेतु ऐसे आयोजनों में शामिल व्यक्तियों एवं आयोजकों पर रासुका की कार्रवाई किया जाना ही न्यायसंगत होगा, जिससे समाज में ऐसे तत्वों का आतंक भी समाप्त होगा एवं जनमानस का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहेगा। नंबर दो, यह कि पिछले हफ्ते शहर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हुआ था, साथ ही वर्ग विशेष द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई थी। उक्त दोनों आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल को धत्ता बताते हुए भारी भीड़ जुटाई गई और किसी भी प्रकार के कोरोना महामारी से सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिस हेतु उक्त कार्यक्रम के आयोजनकर्ता एवं शामिल लोगों पर सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करने की कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत होगा। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।